हाय फ्रेंड्स, मजुमदार फार्म से आपका स्वागत है। सामने आप देख रहे हैं, ये है आरआईआर मुर्गी का फार्म, लेयर फार्म। आरआईआर मतलब जो सरकारी रहता है, जो ऑस्ट्रेलिया से बीट रहता है लाल वाला, वही बीट जो देसी वाला, जो देसी के अंदर सबसे ज़्यादा अंडा देने वाला बीट है, उसी बीट का लेयर फार्म है। और इस लेयर फार्म में काफ़ी ज़्यादा फिलहाल अंडा दे रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये अंडा देने का जो ट्रे है यानी रैक है, देख सकते हैं यहाँ पे सब मुर्गी आके यहाँ पे अंडा देता है। तो सब देख रहे कितना मुर्गी बैठा हुआ है। ये काफ़ी अच्छा सिस्टम है यहाँ पे अंडा देने का, देख सकते हैं यहाँ पे। और कुछ मुर्गी तो बैठा भी है अंडा देने के लिए। तो देसी नस्ल के अंदर आरआईआर यानी सबसे ज़्यादा अंडा देने वाला ऑस्ट्रेलियन मुर्गी है ये। इसके ऊपर कोई अंडा दे नहीं दे पाएगा देसी के अंदर। साल में कम से कम आपका 250 के ऊपर अंडा ये दे देता है, और ये काफ़ी ज़्यादा अंडा देता है, और दाना भी थोड़ा ज़्यादा खाता है क्योंकि इसका साइज़ भी बड़ा है। और ये ऐसे कुछ लाल लाल टाइप का आता है ये मुर्गी। और इस मुर्गी का अंडा नॉर्मली बच्चा अब निकल सकते हैं इसमें से बच्चा, और देसी मुर्गी का जो अंडा सब बाज़ार में खाते हैं इसके लिए भी इसको बेच सकते हैं। अंडे देने के लिए काफ़ी अच्छा मुर्गी है, सबसे ज़्यादा अंडा देने वाला मुर्गी है। तो आप मुर्गी देख सकते हैं, आपने देखा होगा कभी ऐसा मुर्गी। और मीट के लिए भी काफ़ी अच्छा रहता है ये मुर्गी। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुर्गी है, कम से कम 2000 मुर्गी का फार्म है। और इसमें दिन का जो दाना लेता है कम से कम आपका एक एक मुर्गी 100 ग्राम दाना ले लेता है, यानी 2000 अगर बढ़ रहा तो आपका 2100 यानी 200 केजी आपका दाना ले लेगा ये, यानी 4 बोरी दाना दिन में दाना ले खाता है ये मुर्गी। और अंडा कम से कम आप 70% अंडा दे देता है ये मुर्गी, मतलब आपका 100 मुर्गी 70 अंडा दे देता है, 60 से 70 अंडा ये दे देता है। इस हिसाब से तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है इस मुर्गी में। तो आप अगर करना चाहते हैं ये मुर्गी ज़रूर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा अंडा देने वाला मुर्गी है ये। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये बकेट भर चुका है। यहाँ पे दो रैक से उठाया तो आधा बकेट के ऊपर हो गया, और एक रैक से उठाएंगे तो पूरा बकेट फुल हो जाएगा। आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा अंडा है ये। ये मुर्गी के ऊपर देसी नस्ल में कुछ ऐसे मुर्गी है नहीं जो अंडा दे सकते इससे ज़्यादा। इसका नाम आप ध्यान रखिए, आरआईआर मुर्गी है। तो यह दूसरे रैक पे जा रहे हैं, यहाँ पे दूसरा साइड में जा रहे हैं, दूसरे साइड से आप अंडा निकलेंगे। आप यहाँ पे थोड़ा देखिए, दूसरे साइड से अंडा निकलेंगे तो ये पूरा जो बकेट है फुल हो जाएगा। फिर इसको रख के आने के बाद फिर दूसरा साइड से और भी अंडा है, क्योंकि यहाँ पे कम से कम आप देख सकते 6 से 7 6 भाग करके मुर्गी रखा हुआ है। एक एक भाग में ये एक एक ट्रे रखा हुआ है जिसके अंदर मुर्गी अंडा देता है, और इसके अंदर मुर्गा और मुर्गी दोनों है। 100 मुर्गी में 10 से 12 मुर्गा है, ताकि फर्टिलिटी अच्छा रहे। फर्टिलिटी का मतलब रहता है कि अंडे से चूजा निकलने का जो रेशो है वो अच्छा रहे, नहीं तो मुर्गा नहीं रहेगा तो फिर अंडा को बच्चा निकलने लायक नहीं रहेगा, वो सिर्फ खाने के लिए जाता है। और इसके अंदर भी कुछ कुछ अंडा साइज़ वाइज बाज़ार में खाने के लिए निकल जाता है, और जो साइज़ अच्छा रहेगा, मतलब एकदम बड़ा साइज़ भी नहीं और एकदम छोटा साइज़ भी नहीं, जो मीडियम साइज़ में रहेगा उसी अंडे को हैचिंग के लिए यानी बच्चा निकलने के लिए मशीन में डाला जाएगा। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगे। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पर नए हुए तो सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हम ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। धन्यवाद।